इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक के मुताबिक पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की जेल होगी, वहीं जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। इस बिल को 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले आपको जानकारी दे दें, ये विधेयक उत्तर प्रदेश की सरकार लागू कर चुकी है और अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भी इस पर फैसला ले लिया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर जो बिल पास किया है उसमें लव जिहाद के गुनहगारों को 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। बिल की बड़ी बातें क्या हैं वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ बिल को मंजूरी दे दी है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल तक की सजा होगी। नाबालिग महिला का धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की जेल होगी और यदि पहचान छिपाकर शादी की जाती है और धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जाता है या धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। पहचान छिपाकर शादी करने पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 5 से 10 साल तक की कैद और 1,00,000 तक का जुर्माना ये प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपर्पण करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर प्रतीर्णन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपर्पित करने का प्रयास निषेध किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावार अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 1,00,000 का होगा प्रावधान है। मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है, धर्म स्वातंत्र विधेयक, ये काफ़ी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है।